हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अभी ये देखो, सारा कुछ मैं गंदा हो गया हूँ, हाथ मेरे बिल्कुल गंदे हो गए, क्योंकि हुआ क्या था कि ये स्कूटी का थोड़ा सा हेडलाइट जो था वो थोड़ा हिल रहा था। आपको दिखाता हूँ, इसका ना ये निकाल दिया, अभी ये दोनों हैंडल निकाल दिए यहाँ से, क्योंकि ये जो इसका हेडलाइट था ये ऐसे ऐसे ना थोड़ा हिल रहा था, तो उसको मैं सेट कर रहा था, तो उसकी वजह से मेरे पूरी ये हाथ गंदे हो गए। देखो ये वाला और ये वाला भी। यार नहाने में भी लेट हो गया है, और क्योंकि ये भी ज़रूरी था, कभी कभी हम इसको लेके जाते हैं बाहर तो फिर ये कभी ऐसे हिलने लगे तो फिर उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ठीक है, फिर नहाने पर मैं आपसे बात करता हूँ। बाकी नहा धो के आ गया हूँ टेरेस पे, और इतनी ख़तरनाक वाली धूप आ रही है, इतनी मस्त वाली धूप आ रही है कि मैं क्या बताऊँ आपको। देखो कितनी अच्छी धूप आ रही है, तो काफ़ी अच्छी धूप आ रही है यार, बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसी ठंड में ना ऐसा लगता है कि पहाड़ों पर आ गया मैं। तो चलिए फिर मैं अभी निकलूँगा, तो फिर मैं आपसे बात करता हूँ। बाकी मैं आपको बताऊंगा कि फिर मैं कहाँ जा रहा हूँ। अभी वैसे तो आधार कार्ड के लिए मुझे जाना है, तो देखते हैं अपडेट होता है कि क्या होता है, तो फिर मिलते हैं बाकी फिर आपसे। हेलो गाइस, नीचे आ गया हूँ मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो आपको दिखाता हूँ कि मैं ब्रेकफास्ट में क्या खा रहा हूँ। ये देखिए, ये आपका आलू है और मटर है, इसके साथ में रोटी है, और ये भी घी लगाऊंगा मैं इस पर, उसके बाद खाते हैं। तो चलिए मिलता हूँ मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद आपसे फिर। तो भाई मैं निकल गया हूँ स्कूटी से जाने के लिए, तो फिर मिलते हैं। बाकी मैं अब स्कूटी चलाऊंगा तो मैं आपसे बात नहीं कर पाऊँगा, तो फिर मैं आपसे बात करता हूँ बाकी मिलके। हेलो गाइस, अभी मैं फ्लाई ओवर के ऊपर हूँ, क्योंकि थोड़ा आगे का डिस्टेंस है, सोचा कि थोड़ा वेट कर लेते हैं यहाँ पे और रुक जाते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे आ गया हूँ, और उसके बाद फिर अभी थोड़ा आगे जाना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा सा दिख रहा था, तो मुझे लगा कि ये चीज़ें आपको दिखाई दे, बड़ी भीड़ भाड़ है। देखो ये देख रहे हो आप लोग कितना ज़्यादा यहाँ पर क्राउड हो रहा है ये सारा। भाई दिल्ली में इतना क्राउड है कि क्या करें बताओ, पार्किंग की भी जगह नहीं है। और ये देख रहे हो, तो मैंने तो फ्लाईओवर के ऊपर ही पार्क कर दिया भाई। तो चलो फिर मिलते हैं, फिर आगे मैं आपसे चलता हूँ, फिर आगे आपसे बात करता हूँ, ठीक है? ओके चलो। हेलो गाइस, मैं आ गया हूँ अभी कॉफ़ी पीने के लिए थोड़ा, और मैंने लिया है ये है आपका, क्या है ये, कुरकुरे वेज मोमोज। मैं ये खा के टेस्ट करके देखता हूँ कैसा लग रहा है। ये भूख लगी थी यार, बहुत लेट हो गया था, फिर मुझे भूख लगी थी, तो फिर मैं यहाँ पर आ गया। चलिए मिलते हैं फिर खा के। ये मैंने लिया है वेज कुरकुरे मोमोज, और आपका ये है कॉफ़ी जो कि थोड़ी सी नीचे गिर गई है। तो चलो फिर करता हूँ मैं बात आपसे बाकी पी के। बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा। चलो फिर मैं आपसे खा के बात करता हूँ। तो ये मैंने मंगाई है तंदूरी मैगी, इसको खा के मैं ट्राई करता हूँ, क्योंकि आज तक मैंने कभी नहीं खाए थे, तो देखता हूँ कैसा लग रहा है, अच्छा लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है। तो जैसा भी होगा मैं आपको फिर इसके रिव्यू देता हूँ खा के। तो ये है आपकी तंदूरी मैगी, एक बार ट्राई करते हैं। ठीक है, बट उतना नहीं कहेंगे कि बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये नॉर्मल मैगी है, उसके ऊपर से आपने तंदूरी सॉस डाल दिया, स्प्रेड कर दिया बस, और कुछ है नहीं। तो ठीक है बस, तो चलो फिर मैं खाता हूँ बाकी, फिर आपको मिलता हूँ फिर मैं खाने के बाद। तो हेलो गाइस, आ गया हूँ मैं घर पे, एंड हेलमेट पहन के ना बालू की एकदम अजीब सी हालत हो जाती है, देखो आप। इसलिए मेरे को ना हेलमेट यार अजीब सा लगता है, मज़ा नहीं आता पहन के। अच्छा तो लगता है स्कूटी वगैरह बाइक वगैरह चलाने में, बट थोड़ा सा हेलमेट को यार कुछ ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आना चाहिए ना, कि हेलमेट मतलब लगाओ और बाल भी ख़राब ना हो, तो मज़ा ही आ जाए फिर। तो चलो अब मैं आपको ना वो चीज़ बताता हूँ कि जो मैंने आपको बोला था कि किस तरीके से जोमेटो का डिडक्शन का क्या सिस्टम है, कैसे करती है जोमेटो आपका पर ऑर्डर पर किस तरीके से डिडक्शन का क्या सीन होता है। तो चलिए उसको मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। सो काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास क्वेश्चन आते थे, कॉमेंट आता था, इंस्टा पे मैसेज आता था कि जो जोमेटो है वो किस तरीके से चार्ज करती है, मीन्स की डिडक्शन कैसे करती है पर ऑर्डर पे, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने अभी क्लाउड किचन को स्टार्ट किया है, ओपन किया है, और काफ़ी लोग करना चाहते हैं, तो उनको पता नहीं है कि क्या सिस्टम है, किस तरीके से जो जोमेटो होती है वो चार्जेस वगैरह किस तरीके से लेती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 100 रुपीज़ का कोई सामान है तो उसके ऊपर कितना कमीशन लेगी, और कितना डिडक्शन टोटल होती है, क्योंकि लोगों ने देखा है, मतलब जो लोग कर रहे हैं उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे अकाउंट से काफ़ी सारे डिडक्शन हो रखे हैं बट मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो फॉर एग्जांपल हम लेके समझते हैं इसको, कि फॉर एग्जांपल आपका कोई 100 रुपीज़ का सामान है, जोमेटो ने उसमें से अपना 27%, पहले मैं परसेंटेज आपको समझा देता हूँ, ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है आप लोगों के अंदर कि परसेंटेज क्या है। देखिए परसेंटेज अगर हम बात करते हैं तो 23% से स्टार्ट होता है जोमेटो कमीशन। 23% जो होता है वो बेसिक वालों के लिए होता है, जो बेसिक प्लान लेते हैं, बट उसका जो किलोमीटर होता है वो 3 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही आता है।
तो मैं यही बोलूंगा कि अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आप बेसिक प्लान ना लें, क्योंकि उससे आपको कुछ बेनिफिट तो होगा नहीं, और ऊपर से आपको कमीशन वगैरह भी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट हो जाएगा ऑर्डर को लेने में। तो बात करते हैं सेकंड वाले का कि प्रीमियम वाले में क्या होता है कि 24% प्लस 3% आपका एक्स्ट्रा होता है उसमें प्रीमियम वालों के लिए, और वो क्या होता है 12 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आता है। तो ये सबसे अच्छा होता है और काफी सारे उसके अंदर बेनिफिट है जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था, तो मैं दोबारा से वो चीजें एक्सप्लेन करके नहीं बताऊंगा, ये तो काफी लंबा ये ब्लॉग हो जाएगा। इन शॉर्ट में बताता हूँ कि प्रीमियम वाला जो होता है वो 27% का होता है, बेसिक वाला जो होता है वो 23% का होता है। अगर बात करते हैं प्रीमियम वाले की तो 27% पे आपको उसके बाद प्लस जीएसटी भी देना पड़ता है, यानी कि टैक्स वगैरह आपको देना पड़ता है। काफी सारे लोगों का क्वेश्चन था कि जीएसटी लेना पड़ता है कि नहीं, तो नहीं, ऐसा कोई मैंडेट नहीं है। आप घर से क्लाउड किचन चलाना चाहते हैं तो विदाउट जीएसटी भी आप अपना क्लाउड किचन रन कर सकते हैं, ऐसी कोई इशू वाली बात नहीं है। तो इसके अंदर क्या है कि आपसे 23% जो बेसिक वाला है 23% कमीशन लेता है जोमेटो, प्लस आपका जीएसटी और टैक्स वगैरह लेता है मिला के। और अगर हम प्रीमियम की बात करते हैं तो वही 27% होता है प्लस आपका जीएसटी, तो सब कुछ ओवरऑल मिला के जो जोमेटो लेता है वो 35% तक आपका लेता है, जो कि बहुत बड़ा परसेंटेज है, जो कि हमारे क्लाउड किचन के लिए हमको काफी ज्यादा देना पड़ता है। तो चलिए कोई बात नहीं, अब किया है स्टार्ट तो अब क्या करें यार, क्योंकि हमारे पास भी कोई सोर्स नहीं होता है। अब वो एक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए हमारे पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो हम उसमें भी कुछ नहीं कर सकते हैं। बाकी जोमेटो का जो परसेंटेज होता है वो 35% होता है, टोटल बता रहा हूँ मैं आपको, वो टोटल आपसे 35% लेगा। फॉर एग्जाम्पल चलो राउंड में कर देते हैं 30%, तो 30% अगर मैं 100 रुपीज से आपका निकालता हूँ, 30 रुपीज तो आपका जोमेटो ने ले लिया, उसके बाद जो आपका 70 रुपीज बचता है उसके ऊपर आप अपना प्रॉफिट देखिए कि आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, उस हिसाब से आप अपने प्राइस को डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज में पर ऑर्डर का मैं बता देता हूं कि पर ऑर्डर पे आपसे 35% वो लेता है, और बाकी अगर किसी ने ऑनबोर्ड हो रखे हैं, नया अभी खोला है रेस्टोरेंट, तो उसमें 199 का भी चार्ज वो लेते हैं। ये सारे ही इसमें होते हैं, सारे डिडक्शन होता है इसके ऊपर, जिसके ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चन थे कि किस तरीके से होता है, क्या होता है, पर ऑर्डर पे कैसे कैसे काटता है जोमेटो। तो यही है, 35% मैक्सिमम होता है जोमेटो का, जो कि वो डिडक्ट करता है आपके अकाउंट से हर एक ऑर्डर पे, पूरे ऑर्डर पे नहीं करेगा, हर एक एक ऑर्डर पे करेगा। यानी कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 5 पिज्जा के ऑर्डर आते हैं एक दिन में, ठीक है, एक ही कस्टमर से आया है वो उसी टाइम, इसको मैं थोड़ा और इजी कर देता हूँ समझने के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने किसी रेस्टोरेंट से पांच, मेरे घर पे 5 फ्रेंड आए हैं तो उनके लिए 5 पिज्जा का ऑर्डर कर दिया, तो उन पांचों पे नहीं लेगा वो कमीशन अपना, ठीक है, उन पांचों पे नहीं लेगा, वो कंबाइन हो गया एक ऑर्डर में, क्योंकि एक कस्टमर ने, वो क्या है, इस तरीके से समझिए कि एक कस्टमर का ऑर्डर जो भी आता है उसके ऊपर ही जोमेटो अपना कमीशन चार्ज करता है, जो कि 35% होता है। ठीक है, हर एक ऑर्डर का मतलब ये नहीं होता हर एक आइटम पे वो लेने लग जाएगा, नहीं, हर एक आइटम पे नहीं है, हर एक ऑर्डर जो भी कस्टमर, अलग अलग कस्टमर जो ऑर्डर प्लेस करेंगे उनके ऊपर होता है 35% का। ठीक है, यही चीजें हैं, 35% वो कमीशन लेता है, उसके बाद आपका जितना भी ऑनबोर्ड का चार्ज होता है 199 का, वो भी डिडक्ट करता है उसके ऊपर। आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी, और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं बताने लायक, बस यही था। और अगर आपको तब भी अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं, और साथ साथ में टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, वो भी जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी मैं डेट्स वगैरह डालता रहता हूँ। और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वो भी कर लीजिए। चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में, क्योंकि मैंने अभी अपने ओपन किया है रेस्टोरेंट को, तो थोड़े ऑर्डर्स वगैरह आएंगे, तो उसके बाद मैं आपसे फिर आराम से मिलता हूँ, और थोड़ा मैं थक भी गया हूँ तो थोड़ा रेस्ट करूंगा, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ फिर। तो भाई अब रात के बज गए हैं 12:30 और मैंने पूरा काम अब निपटा दिया है अपना सारा कुछ, और मैं हो गया हूँ अब फ्री, तो अब मैं जाऊँगा सोने के लिए, सारे ऑर्डर्स को मैंने निपटा दिया है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ में जितने भी लोग हैं जिन्होंने क्लाउड किचन स्टार्ट किया तो उनके साथ भी चीज़ें शेयर करें, बताएं उनको कि अगर, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ये इशू आता है यार, मतलब उनको पता नहीं होती छोटी छोटी बातें तो बेचारे परेशान होते हैं, तो आप ये वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो भी क्लाउड किचन स्टार्ट करना चाहते हैं। और आगे मैं और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपके पास लाता रहूँगा, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, ओके बाय।